नगरी में एक संत आए, सबको अमृत बांट रहे थे। अपना अपना पात्र लेते सबकी लाइन लग गई। उस अमृत से सारी आदि व्याधि रोग शोक मिट जाते थे। ऐसी साधना थी उनके पास। सारी नगरी में शोर मच गया। अपना काम कारोबार छोड़कर सब अपना अपना पात्र लेकर संत के पास पहुंचने लगे और वो खुले हाथों से सबको अमृत जल बांटते जा रहे थे, देते जा रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा रोगी, उसको भी पता लगा। बहुत देर बाद उसके पास खबर पहुंची। वो भी गिरता पड़ता लंगड़ाता संत के सामने आया और अपना पात्र कर दिया। संत कहने लगे, बंधु वत्स, तुम्हारा ये पात्र अच्छा नहीं है। इसमें बहुत धूल जमी है, मिट्टी से भरा हुआ है। अगर इसमें ये जल डाल दिया जाएगा, अमृत डाल दिया जाएगा, तो सारा नष्ट हो जाएगा। अरे संत होकर भी बहाने बनाता है, सीधा क्यों नहीं कहता कि तू गरीबों को देता नहीं है? संत ने कहा, वत्स, वो संत ही क्या हुआ जो अमीरी और गरीबी का भेद करे। और जहां पर अमीरी और गरीबी का भेद शुरू हो जाता है, वहां संतत्व खत्म हो जाता है। वो संत ही नहीं होता जो किसी को निम्न दृष्टि से और किसी को उच्च दृष्टि से देखे। वत्स, ऐसी बात नहीं है। यहां पर जो तुम्हारा पात्र है, मैं सत्य कह रहा हूं, इस पात्र में डला हुआ अमृत नष्ट हो जाएगा। ये इतना मिट्टी से भरा हुआ है, सारा अमृत ये मिट्टी पी जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे नहीं देना है तो ना दे, सौ बहाने बना रहा है। तुझे इतनी प्यार से समझाया है बेटा, डालना है तो इसी में डाल, नहीं तो मैं चला जाऊंगा और सब लोगों को कह दूंगा कि इस दरवाजे पर, इस दरबार में इतना भेदभाव चलता है। बड़ा ही विपरीत दृष्टि वाला था, ना भावना थी ना श्रद्धा थी। संत ने कहा, जा तेरा भला हो। उन्होंने अमृत उठाया और उसके पात्र में डाल दिया। देखते ही देखते वो सारा अमृत जो मिट्टी से भरा हुआ वो बर्तन था, वो मिट्टी में समा गया, मिट्टी पी गई, उसके लिए एक बूंद भी नहीं बचा। कैसा था वो व्यक्ति? कैसा था? कैसा लगा आपको? उसकी दृष्टिकोण सही था? कौन सही था? देने वाला या लेने वाला? देने वाला सही था। हमें भी चेक करना है, क्या हमारा पात्र मिट्टी से भरा हुआ तो नहीं है? हम हर रोज ये आराधना करते हैं, क्या ये आराधना का अमृत हमारे पात्र में जाकर हमारे लिए उपयोगी बन रहा है, या धूल से मिट्टी से भरा हुआ पात्र लेकर हम आ रहे हैं? और ऐसा ही दृष्टिकोण लेकर आए, धूल से भरा हुआ पात्र लेकर आए, तो अमृत जल नष्ट हो जाएगा। ये जिन शासन की दिव्य आराधना आपके समक्ष चल रही है, भक्तामर का ये दिव्य अनुष्ठान, जो अमृत जल हमारे हर चीज को, बुराई को अच्छाई में बदलने वाला है, रोग को निरोग में बदलने वाला है, अशुभ को शुभ में बदलने वाला है, अलाभ को लाभ में बदलने वाला है, दरिद्रता को संपन्नता में बदलने वाला है, अबलता को सबलता में बदलने वाला है। ये आराधना, ये अनुष्ठान, ये सामूहिक अनुष्ठान है ही इसलिए कि सामूहिक तरंगों में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारे आसपास जो आभा मंडल इतना पावन और पवित्र हो जाएगा
तो इसलिए चेक करना है आज कि हमारे पात्र में धूल तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं भरी हुई है। अमृत जो लेकर जा रहे हैं उसका लाभ क्यों नहीं हो रहा है, वो फलदायी क्यों नहीं हो रहा है? कहीं चूक हमारे पास ही है, तो इसको चेक करके अपने पात्र को आज स्वच्छ बनाना, निर्मलता से, पवित्रता से, शुभ भावों से भरकर हृदय रूपी पात्र को लेकर आना। परमात्मा की आराधना की एक एक बूंद तुम्हारे अंदर समा जाएगी और तुम्हारे उपयोगी रहेगी, तुम्हारे काम आएगी। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप इस गाथा की बहुत ही सुंदर भक्ति भरी व्याख्या आचार्य मान तुम भाव विभोर होकर परमात्मा की स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लग गए, भक्ति करने के लिए लग गए। उनके माध्यम से वो निमित्त बने हैं, आज उनके निमित्त से हम भी भक्ति कर सकते हैं आदिनाथ भगवान की, और उस भक्ति को अपने अंतर हृदय में लेकर आ सकते हैं। आप श्रवण करेंगे गुरनी मैया के मुखारविंद से स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य मानतुंग के द्वारा प्रभु आदिनाथ की भक्ति, भक्ति का सागर उमड़ा हुआ है। अंदर कोठड़ियों के अंदर आवाज आ रही है। 11 कोठड़ियों के दरवाजे ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए, और अब क्या है, शोर मचने लगा सभा के अंदर कच कि ये क्या हो रहा है। अंदर से आवाज बड़ी मधुर और शांत, एकदम सहज आवाज आ रही है। हम तो सोच रहे थे
अंदर पड़ा पड़ा रोएगा, चिल्लाएगा, पुकार करेगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बंधन से छुड़वा दो। परंतु वहां से तो मधुर सुरीली एकदम भक्ति भरी आवाजें आ रही हैं। कैद खाने के बाहर क्या हो गई, सभा इकट्ठी हो गई और आचार्य मानतुं के लिए तो वो कैद कोठड़ी प्रभु के मिलन का स्थान बन गई। वो कैद कोठड़ी प्रभु के, परमात्मा के मिलन का स्थान बन गई। उनका हृदय प्रभु को क्या है, सिंहासन बन गया कि आओ मेरे हृदय सिंहासन पे आप विराजमान हो जाओ। और जो वो भक्ति के अंदर से भाव निकल रहे हैं वो क्या बन गए, उनके लिए मंत्र बन गए। प्रभु को मिलने के वो क्या बन गया, मंत्र बन गया। और जो दरवाजे टूट रहे हैं वो समझो उनकी विजय हो रही है। कितना सुंदर वातावरण बन गया। अब वो क्या है, प्रभु के पहले तो क्या है, कोई भी किसी से बाह्य दृष्टि से प्रेम करता है तो पहले तो निहारता रहता है, देखता रहता है कितना सुंदर, क्या चेहरा ही देखता है। और देखते देखते कल आया था निर्निमेष दृष्टि से, पलक झपके बिना वो अपने प्रभु को, अपने अंतर को भावों से निहार रही है। निहारते निहारते उनकी दृष्टि प्रभु के शरीर पे पड़ी। औदारिक शरीर, औदारिक पुद्गलों से बना हुआ ये शरीर, अरे ये कोई साधारण शरीर नहीं है। ये जिससे बना है वो पुद्गल कोई साधारण नहीं है। तो उसके लिए उनके अंदर से भावनाएं निकली, ये शांत राग रुचवी परमानु विस्तवम, तुम आपके जो पुद्गलों से शरीर बना है, परमाणु विस्तुं आपके शरीर के पुद्गल जो है, यही शांत राग रुचि भी, उन पुद्गलों के अंदर भी क्या है, उनकी जो रुचियां हैं वो क्या हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। इंसान के शरीर की रुचियां, कितनी इंद्रियां हैं शरीर के, इंसान के पास कितनी इंद्रियां हैं, 5। हर एक के अपने अपने क्या है, इच्छाएं हैं। 5 इंद्रियों को 23 विषय और 240 विकार हैं। जैसे आंख के 5 विषय, काला नीला लाल पीला सफेद, मूल रंग कितने हैं, 5 हैं। उन 5 रंगों से तुम हजारों रंग बना सकते हो। जैसे पीला और नीला मिलाओ तो हरा बन जाता है, लाल और काला मिलाओ तो वो भूरा बन जाता है, यानी अलग अलग बनने शुरू हो जाते हैं। तो 5 विषय तो यही हो गए। और कानों के भी क्या हैं, 3 विषय हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। जीव शब्द, जैसे इंसान जो चेतन है, जो जानदारी प्राणी है, उनकी आवाज आनी, ये जीव राष्ट्र वो क्या है, शब्द है। और जैसे ढोल की आवाज है, पट्टे की आवाज है, किसी चीज के गिरने की आवाज है, वो क्या है, अजीव शब्द है। और मिश्र शब्द, जैसे ढोल तो है परंतु ढोल को बजाने वाला क्या है, चेतन है, जीव है तो वो मिश्र हो गया। जीव की भी आवाज है, अजीव की भी आवाज है, दोनों के संयोग से। बाजे की आवाज कितनी तीव्र होती है, परंतु खाली बाजा पड़ा पड़ा नहीं बोलता, उसको बजाने वाला कोई चाहिए। तो ये क्या है, ये मिश्र शब्द है। तो इसी तरह अलग अलग, जैसे नाक के सुगंध और दुर्गंध, जबान के कड़वा कशाला मीठा तीखा, ये क्या है, 5 विषय है। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय है, कर्कश सुहाला लघु गुरु उष्ण शीत रुक्ष स्निग्ध मृदु गुरु, यानी हल्का भारी रूखा चिकना, ये सारे क्या है, ये 23 विषय हैं। और इनके आगे विकार है, किसी पे राग आता है, किसी पे द्वेष आता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। तो
तो परंतु प्रभु आप कह, मैं ये लंबा विषय नहीं करती, ये तो बहुत अंदर चला जाएगा, नहीं तो प्रभु आपका जो शरीर जिससे बना है उसके जो पुद्गल हैं उनकी सारी रुचियां खत्म हो गई, यानी आपकी इंद्रियों की रुचियां क्या हो गई हैं, सारी खत्म हो गई हैं। प्रभु को तो किसी से क्या नहीं है, राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, खाने की रुचि नहीं है, सुनने के लिए कोई कान ललायत नहीं होते, आंखें देखने के लिए कुछ तैयार नहीं होते, तो ये क्या है, प्रभु आपके पुद्गलों की, जिससे पुद्गलों से आपका शरीर बना है वो उनकी क्या रुचियां क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी है, उनकी राग रुचियां जो है वो खत्म हो चुकी है। निर्मापित स्त्री भुवनैक ललाम भूत, और उन पुद्गलों से जो आपका ये शरीर बना हुआ है निर्मापित बन चुका है, जो त्रिभुवनैक तीन लोक में, अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के ललाम भूत सब के लिए वो क्या है, अलग ही है, औरों के शरीर तो ऐसे नहीं है जैसे आपके हैं, तो वो ललाम भूत यानी वो बहुत मनोहर है, सुंदर्य युक्त है, एक क्या है, धरती का, तीन लोक की धरती का श्रृंगार है, तो आपके पुद्गल क्या है, ऐसे हैं, और उससे क्या होता है, तावंत एव खलु, तो इसीलिए वो निश्चय से ही ते अनवय पृथ्वी व्याम, वो ते मैंने वो क्या अनु जिनसे आपका शरीर बना, पृथ्वी व्याम वो क्या नहीं और नहीं थे, उतने ही थे जिससे आपका शरीर बन गया, मतलब इतनी मिट्टी है उतनी मिट्टी से एक क्या बन गई, मूर्ति बन गई, और मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी है नहीं, तो दूसरी मूर्ति किसी और मिट्टी की बनेगी, तो उसकी शक्ल उससे क्या होगी, अलग होगी, ये मैंने उदाहरण दिया। तो प्रभु आपके शरीर का निर्माण जितने पुद्गलों से हुआ वो उतने ही पुद्गल थे, बाकी और खत्म हो गए, तभी तो यते समान अपरम, तभी तो समान अपरम, और कोई आपके समान नहीं रूप मस्ती, और कोई रूप नजर नहीं आता। क्या कमाल कर दिया, कितना गहरा चिंतन चला गया आचार्य मानतू का। कोई कहे उनके तो क्या है, बेड़ियां टूट गई, हमने तो ये लक्ष्य सोचा था, हमारा काम नहीं हुआ, इसमें कमी भक्तामर की नहीं है, उसमें कमी हमारी है, क्योंकि हमारे पास वैसी श्रद्धा, वैसी भक्ति, वैसा विश्वास, वैसी आस्था, वैसी दृढ़ श्रद्धा हमारे पास नहीं है। अगर एक तार होकर के उनको याद करते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो वो सिद्ध में पहुंच चुके हैं, सिद्ध लोक में है, परंतु उनके अधिष्ठात्री देव देवी तो रक्षक बन सकते हैं, परंतु वो भी अवधि ज्ञानी होते हैं, वो देखते हैं ये किस लिए कैसी भावनाओं से कर रहा है। तो वो प्रभु आपका शरीर उतने ही पुद्गलों से बना, क्योंकि हमारे मानस के अंदर चार तरह की तरंगे तरंगित होती रहती है, अल्फा बेटा थेटा और डेटा, ये हर प्राणी के अंदर होती है, परंतु जब अल्फा डेट कब आती है, अल्फा रेज कब आती है, अल्फा की तरंगे कब आती है, जब क्या है हमारा मन भक्ति के अंदर, स्तुति के अंदर, किसी भी तप और जप के अंदर गहरे तक पहुंच जाए, तो वो अल्फा नामक रेज उसके अंदर पैदा होती है, और ये ज्यादातर किसके पास होती है, जो योगी है, जो तपस्वी है, जो शीलवान है, शीलवान बन गए, परंतु बाहर दुनिया की रुचियां हमारे अंदर बनी रही, तो वहां पर भी क्या है, शील का बाह्य दृष्टि से दोष लगता है, क्योंकि जो नौ बाड़े हैं उसमें ये बताया गया है कि उसका क्या रहना सहना पहनना ओढ़ना क्या हो जाए, सात्विक हो जाए, और साथ में शील व्रत हो, तब जाकर के उसका प्रभाव पड़ता है। अगर दुनिया भर की क्या है रुचियां तो जागृत रहे, और फिर क्या है हम शीलवान बने रहे, तो उसका प्रभाव वो अल्फा नामक रेज
पैदा नहीं हो सकती, ये महायोगियों के पास होती है, मड़े तपस्वियों के पास होती है, तीर्थंकरों के पास होती है। तो वो जो है प्रभु आपकी जो अल्पा नामक रेज है, ये जो पांच कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, उस समय नरक में भी क्या आ जाती, थोड़ी देर के लिए रोशनी आ जाती है, शांति आ जाती। क्यों आती है? क्योंकि उनके क्या है, वो जो अल्फा रेज है उनका प्रभाव वहां तक पहुंच जाता है, इसलिए नरकों में भी क्या आ जाती, थोड़ी देर के लिए शांति आ जाती है। तो वो अल्फा रेज क्या होती है, प्रसन्नता दायक होती है, जो उस ओरे में जाता है उसको भी प्रसन्नता मिल जाती है, और जो अल्फा डेटा है बेटा रेज होती है वो दुखदायी होती है, जिसके अंदर हमेशा दुख ही दुख भरा रहा, नेगेटिव सोचता रहा, कि शंकाशील बना रहे, इसने ऐसे किया, ये बात होगी, वो होगी, तो वो हमेशा आप भी दुखी और दूसरा भी दुखी, जो उसके पास जाएगा उसको भी वो रेज छू जाएंगे। तो वो आचार्य मानतुंग ने कहा, प्रभु आपकी संक्षेप में बताती हूँ कि आपके जिन पुद्गलों से ये शरीर बना है, वो पुद्गलों की जो रुचियां हैं, वो इंद्रियों की रुचियां क्या हो चुकी हैं, ना खाने का शौक, ना पीने का शौक, ना सुनने का, ना बोलने का, ना छूने का, उनको तो जैसा मिल गया, उनके धरती भी उनके लिए पलंग के बराबर है, क्योंकि उनको तो क्या है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जो मिल गया सो ठीक है, जो आ गया सो खा लिया, जो नहीं तो क्या है, अपनी अल्फा रेज में ही मग्न रहते हैं, तो इसलिए वो शांत हो चुकी हैं। जो आपके पास जाएगा उसको भी शांति मिलेगी, और वो परमाणु उतने ही थे, क्योंकि आपके समान कोई और शक्ल नजर नहीं आ रही, आपके समान और कोई चेहरा है नहीं, तो इसका मतलब उतने ही परमाणु थे जिनसे आप बन गए। तो कितनी गहरी भक्ति में वो डूब गए। तो ये आप, ये आज हमारी क्या हो गई, 12वीं गाथा, कल 13वीं गाथा का आप जैसे भी हैं दर्प क्षेत्र गहरी आस्था के साथ सुनते रहना। चलो, महापुरुषों के जयकारे, जबान पवित्र करते हुए कंजूसी ना करना, गला खोल करके महापुरुषों के जयकारे बुलाना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय समसावनंग, चैता मारमार संचकवटी मेहडियो, संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारि मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिक नत्तो दम्मो मंगलम, चितारिल गुत्मारी हंताल गुत्मान, सिद्धाल गुत्मान, साउल गुत्मा, केवलिक नत्तो दम्मोल गुत्मा, चितारी शरणम पव्यामि, रिहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहू शरणम पव्यामि, केवलिक नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिक रूप्याध्यधर्म का शरणा, ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा उसका, सदा ही मंगल हो।